नमस्कार, कामत किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पालक पराठा, पालक पूरी, किड्स मेन्यू। ये हमने 2 कप आटा लिया है, उसमें हम 1 कप यूरी डालेंगे। ये लगभग 1 कप यूरी है। अब हम इसमें, ये मैंने पेस्ट बनाया है, कांदा, अदरक लहसुन और लाल मिर्च, इन सबको मिला के एक पेस्ट बनाया है। गरम मसाला पाउडर, जीर पाउडर है, तिल, नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, और अपने चॉइस से हम डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में, पालक प्यूरी और सभी मसालों को। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सख्त, ज़्यादा एकदम चपाती जैसा नरम नहीं, थोड़ा सख्त पराठे जैसा, और थोड़ा तेल लगा के इसको अच्छे से भून लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने रखेंगे। उसके बाद हम उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। एक गोली को आटा लगाकर उसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला बेलना नहीं है, तो पराठे जैसा ही हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। इसको हम बटर लगा के, घी लगा के, या तेल में भी आप रोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट पालक के पराठे तैयार हो गए हैं। उसी आटे से हम छोटी छोटी पूरियां बेल लेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। पूरियां थोड़ी सी जाड़ी होनी चाहिए बेलते वक्त, तो वो अच्छे से फूल सकेंगी। छोटे बच्चों को पालक पूरी बहुत पसंद आती है। आप भी आपके किचन में ज़रूर बना के देखिए, और कामत किचन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही हेल्दी, ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।